राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संवेद आर्ट में। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व का ड्राइंग बनाने का कोशिश कर रहा हूँ जिनको पहचान की ज़रूरत नहीं है। भारत पवित्र लोगों और महान आत्माओं की भूमि, बहुत पहले से ही कई तपस्वियों की जन्मस्थली रही है। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म, न्याय और धर्म की हानि बढ़ती है, तब तब ईश्वर अपनी पवित्र आत्माओं को अन्याय और अनीति का नाश करने और लोगों का समाज और इस संसार को ईश्वर की उसकी शिक्षाओं के बारे में ज्ञान देने के लिए भेजते हैं, जिससे अन्य लोग भी जीवन जी सकें। यहाँ मैं देवी चित्रलेखा के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ देवी जी उपयुक्त शब्दों का आदर्श प्रतीक हैं। जिस उम्र में बच्चा बोलने के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, उस उम्र में देवी जी ने कई भागवत कथाओं का सफलतापूर्वक प्रचार किया है। दुनिया भर में उनके भक्त हैं। बहुत से भक्त देवी जी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। 19 जनवरी 1997 को देवी चित्रलेखा जी एक प्रबुद्ध और पवित्र आत्मा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में श्रीमती के पवित्र गर्भ से हुआ था। चमेली देवी पत्नी श्री टीकाराम शर्मा, ग्राम खांबी, जिला पलवर, हरियाणा, भारत। यह पवित्र गांव आदि वृंदावन की परिधि में आता है। इसी कारण से देवी जी को ब्रिज की सारी दिव्य संस्कृति अन्याय से प्राप्त हो गई थी। उनके जन्म के बाद कई प्रसिद्ध साधु संत इस चमत्कारी लड़की की एक झलक पाने के लिए उनके घर आए। वे उसके अलौकिक लक्षणों से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए और भविष्यवाणी की वह निकट भविष्य में एक महान प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में दुनिया भर में लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगी। अब तक देवी जी भारत के कोने कोने और विदेशों में भी भागवत चर्चा का प्रसार किया है। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने जीवन के अंतिम समय तक पूरे विश्व में राधा कृष्ण और हरे कृष्ण महामंत्र की लहर फैलाना है। अपने गुरु की इच्छा का पालन करते हुए वह इस पवित्र कार्य में पूरी तरह से लीन है। देवी जी को गौरीय संप्रदाय वैष्णववाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा स्थापित में दीक्षा दी गई थी, जब वो केवल 4 वर्ष की थी। श्री श्री गिरधारी बाबा नामक एक बंगाली संत के द्वारा उनको मार्गदर्शन दिया गया था। उनके परिवार के सभी लोग, माता पिता, दादा दादी, पहले से ही बहुत धार्मिक परिवर्ती के व्यक्ति थे। जब वह 6 साल की थी, तब वह अपने माता पिता के साथ रमेश बाबा, जो ब्रिज के एक प्रतिष्ठित संत हैं, उन्हीं के उपदेश से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बरसाना गईं। तब उपदेश के अंत में रमेश बाबा ने देवी जी को माइक थमा दी और कुछ कहने को कहा। उनके निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने वहां लगभग आधे घंटे तक बेबाकी से भाषण दिया और उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तब रमेश बाबा ने स्वयं देवी जी को आशीर्वाद दिया और उनकी स्तुति की। उनके शानदार प्रदर्शन से सभी लोग हैरान रह गए थे। उस दिन सभी को एहसास हुआ कि देवी जी उपदेश भी दे सकती हैं। बाद में उनके गुरुजी, आध्यात्मिक शिक्षक ने पहला उपदेश वृंदावन के पास तपोवन में आयोजित किया, जहां कात्यायनी देवी ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए 6,000 वर्षों तक लगातार ध्यान किया था। हर कोई डरा हुआ था, यहाँ तक कि देवी जी के माता पिता भी डरे हुए थे कि वह 7 दिवसीय श्री भागवत कथा नहीं सुना सकेंगी। उनके माता पिता ने गुरु जी से आग्रह किया कि हमें 7 दिवसीय श्री भागवत कथा के स्थान पर 2 दिवसीय प्रचार कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, लेकिन गुरु जी को उसकी दिव्य शक्तियों पर काफ़ी भरोसा था और उन्होंने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया कि ये कार्यक्रम सफल होगा। परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है जो भागवत कथा का प्रचार करना और संगीत बजाना जानता हो, जबकि देवी जी भी उपदेश देने, हारमोनियम बजाने में पूरी तरह सक्षम हैं और साथ ही धार्मिक गायन भी करती हैं।
भागवत कथा के संबंध में देवी जी ही हैं। कहीं से भी भागवत कथा नहीं पढ़ाई उसने, जो कुछ भी किया है, कर रही हैं और निकट भविष्य में करेंगी, सब कुछ ईश्वर के दिव्य आशीर्वाद से प्रेरित है। उनके गुरु जी ने एक बार देवी जी के माता पिता को सुझाव दिया कि इन्हें उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए कहीं और नहीं भेजना होगा, लेकिन देवी जी का मानना है कि जब श्री कृष्ण भी उच्च शिक्षा के लिए संदीपनी आश्रम गए तो वे क्यों ना जाएं, इसीलिए वो अपनी शिक्षा के लिए एक पब्लिक स्कूल में जाती थी। और तब से आज तक देवी चित्रलेखा जी अपने कथा के माध्यम से कृष्ण प्रेमियों को प्रेरित करती हैं और लाखों लोग इनके कथा को सुनने के बाद कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर हुए हैं। तो देवी जी के व्यक्तित्व से आप क्या सीखें और क्या सीखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।